blood. Psych! That's the wrong number! तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप यूएमपी से हेडशॉट कैसे मार सकते हो, वो भी पहले गोली से, क्योंकि आज के वीडियो में तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर बताने वाला है। तू और हमारा फेवरेट यूट्यूबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर नहीं हूँ? कौन है तू? सच बोलो, मजाक कर रहे हो ना? नहीं तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। जोक सपाट गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप यूएमपी से हेडशॉट कैसे मार सकते हो। एंड यस, अगर आप एक बार यूएमपी से हेडशॉट मारना सीख गए तो आपका फायर पावर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूएमपी होता है कंटिन्यू फायरिंग करने वाला गन। तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जानना है कि मैं आज के वीडियो में कौन कौन सा टिप्स एंड डिस्कवर करने वाला हूं, जिससे आप एकदम इजीली हेडशॉट मार सकते हो। जैसे कि बैकग्राउंड में देख रहे हो भाई, मैं एक नंबर का, ये मेरा गेम प्ले नहीं है, और ये तुम लोग को हैक लग रहा होगा। ये हैक में कुछ नहीं है, हैक तो है ही नहीं भाई। A few moments later. अरे वाइट ट्रिपल फोर वाले भैया, इसको हाइड करना नहीं पता आपने? जोक सपाट गाइस, जिसको नहीं पता मैं बता दिया, सिर्फ मैंने जोक के लिए किया था, मैं कोई हैक की यूज नहीं करता, ठीक है? पता है हम लोग को गवार नहीं है, ठीक है? के कूल, इतना गुस्सा मत करो। तो चलो गाइस, बिना कोई टाइम इसके फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, बिना कोई टाइम इसके हम लोग जान लेते हैं कि आप यूएमपी से हेडशॉट कैसे मार सकते हैं एकदम वाइट ट्रिपल फोर की तरह। जो सपाट गाइस, बिना टाइम इसके हम लोग जान लेते हैं, अगर आपको यूएमपी से हेडशॉट मारना है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत सेटिंग में चेंजेस करना है, और सेटिंग में कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिविटी सेटिंग में चेंजेस करना है। और सेंसिटिविटी सेटिंग में इसलिए चेंजेस करने को बोल रहा हूं, जिससे आपको ड्रैग में चेंजेस ना करना पड़े। इसका मतलब ये कि आप जैसा अभी ड्रैग करते हो, वैसा ही ड्रैग करके आप एकदम इजीली यूएमपी से हेडशॉट मार पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम के। तो बिना टाइम इसके हम लोग जान लेते हैं कि आपको सेंसिटिविटी सेटिंग में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैं अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको जनरल सेंसिटिविटी में चेंजेस करना है, उसके अलावा भी आपको दो चेंजेस करना है। पहले जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गाइस आप बहुत ज्यादा जोर जोर से ड्रैग करते हो, आपको आदत है कि हर एक गोली पे जोर जोर से ड्रैग करने का, तो आपको कुछ नहीं करना, जनरल सेंसिटिविटी को कम कर देना, क्योंकि यूएमपी जो होता है उसका एक्यूरेसी कम होता है। मतलब अगर आप जोर से ड्रैग करोगे तो आपका गोली रिकॉयल मारेगा। तो सिंपली कुछ मत करो, आपका जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको कम कर सकते हो, 10% 20% कम कर सकते हो। अगर आपको धीरे धीरे ड्रैग करने की आदत है, ज्यादा जोर से ड्रैग नहीं करते, ज्यादा क्विक ड्रैग नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपका जो जनरल सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। नहीं तो जितना जनरल सेंसिटिविटी उतना ही रहने दो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि यूएमपी का जो एक्यूरेसी होता है वो कम होता है, इसलिए जनरल सेंसिटिविटी कम भी रहेगा तो आप हेडशॉट मार पाओगे। बट अगर आपको जोर जोर से ड्रैग करने की आदत है तो आपको कम करना ही पड़ेगा जनरल सेंसिटिविटी को। अभी बात करते हैं, अगर आपको यूएमपी में ऐसे स्कोप में हेडशॉट मारना है बिल्कुल वाइट ट्रिपल फोर की तरह, नहीं मतलब तो वैसे आपको भी ऐसे स्कोप के अंदर यूएमपी से हेडशॉट मारना है, तो सबसे पहली चीज आपको ये जो टू स्कोप है और फोर स्कोप है, इसके अंदर कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए, जिससे आप भी एकदम इजीली स्कोप के अंदर हेडशॉट मार पाओ बिल्कुल बैकग्राउंड में जैसे देख रहे हो वैसा। तो वैसे हम लोग जाने कि आपको टू स्कोप और फोर स्कोप में कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए, उससे पहले ये जान लो, हम लोग जो है यूएमपी का स्कोप ज्यादा कर शॉर्ट रेंज में नहीं तो मिडिल रेंज में ही यूज करेंगे, ज्यादा लॉन्ग रेंज तो हम लोग यूज करने वाले नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट रेंज और मिडिल रेंज के लिए सेंसिटिविटी बताता हूं। आपको टू स्कोप और फोर स्कोप दोनों को ही 100 रखना है। मुझे पता है मैंने बोला था कि ये जो यूएमपी होता है इसका एक्यूरेसी कम होता है, तो हम लोग को सेंसिटिविटी को कम रखना चाहिए, बट आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, शॉर्ट रेंज में और मिडिल रेंज में स्कोप के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होता है। आप कौन सा भी गन चला लो, यूएमपी चला लो, MP4 भी थोड़ी ना चलाते स्कोप के अंदर। कौन सा गन चलाते? हाँ, AK-47 चला लो, स्कार चला लो, ड्रैगनो चला लो, हर एक गन का शॉर्ट रेंज में स्कोप के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा ही होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको 100 करके ही रखना है, क्योंकि हम लोग यूएमपी को स्कोप में ज्यादा लॉन्ग रेंज में तो यूज करने वाले नहीं। तो गाइस बस इतना ही आपको सेटिंग में चेंजेस करना था, बाकी कुछ भी मत चेंजेस करना, और इतने चेंजेस के बाद भी आपके बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेंगे, जैसे कि आप मैं नहीं देख रहे हो, मींस अभी तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी है, उसको फॉलो करोगे तो लगने लगेंगे, ठीक है? बट यार उसने मेरे को कैसे मार दिया, इतने बड़े प्रो प्लेयर को मार दिया। तो गाइस मैंने आपको सेटिंग तो बता दिया, अभी बात करते हैं अगर आपको यूएमपी से हेडशॉट मारना है तो कौन सा ड्रैग करना चाहिए। यूएमपी कोई वन टैप मारने वाला गन नहीं होता, जैसे एमोनेटर 7 हो गया, डेजर्ट ईगल हो गया, या कौन सा भी गन हो गया जिसमें वन टैप मारती है, वो गन तो नहीं होता। इसमें हम लोग कंटिन्यू फायरिंग करते हैं, इसमें हम लोग वन टैप के लिए तो जाएंगे नहीं, इसलिए नहीं आपको इसमें रोटेशन ड्रैग करना, अप एंड डाउन ड्रैग नहीं करना, और हाँ होल्ड एंड ड्रैग नहीं करना है,
सिंपली इसमें स्टे ड्रा करना, जैसा नॉर्मल ड्रा करते हो वैसे ही ड्रा करो। अभी बात करते कि आपको कितना ड्रा करना चाहिए, तो आपको कितना ड्रा करना चाहिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको ड्रैग में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा ड्रा करते हो वैसे ही करो। बस सेंसिटिविटी सेटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, फिर भी अगर आपको जाना कि यूएमपी में कितना ड्रा करना चाहिए तो इतना ड्रा कर सकते हो, नहीं तो इतना ड्रा कर सकते हो। बट आप कंटिन्यू फायरिंग करोगे तो एनिमीज का पोजीशन थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो बीच में आपको ड्रैग को राइट लेफ्ट भी करना पड़ेगा, मींस ड्रैग वाले बटन को होल्ड करके राइट लेफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। अभी बात करते गाइस एम के बारे में कि आपको एम किधर रखना चाहिए अगर आपको यूएमपी से हेडशॉट मारना है। तो सबसे पहली चीज, एम को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो बाकी सब यूट्यूबर क्या बेवकूफ हैं? ये भी कोई बोले कि मैंने भी डाला है इस पे वीडियो, तो हाँ कंट्रोल कर सकते बट थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ जो सपाट गाइस, आप एम को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ बट थोड़ा बहुत कर सकते हो, मतलब इतना वाला जो फ्रेम है इसमें रख सकते हो जो कि नॉर्मली रहता ही है। तो गाइस मैंने पहले के भी वीडियो में ये बोला था, फिर भी मैं लास्ट बार बोल देता हूँ कि आप एम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अभी बात करते गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। तो गाइस मैंने सेटिंग बता दिया, ड्रैग बता दिया, एम के बारे में बता दिया, अभी बात करते हैं पोजीशन के बारे में कि आपको पोजीशन मींस कैरेक्टर का क्या पोजीशन रखना चाहिए अगर आपको यूएमपी से हेडशॉट देना है। तो सबसे पहली चीज, इसमें पोजीशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस इतना ध्यान में रखना एनिमीज कुछ ज्यादा ही मतलब दूर है, थोड़ा सा मीन ज्यादा दूर है मिड रेंज से, तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना कि एक जगह पे खड़े होकर हेडशॉट मारने की कोशिश करना है, ऐसे जंप करके नहीं करना। बट शॉर्ट रेंज में आप जंप करके भी कर सकते हो और एक जगह पे खड़े होकर भी हेडशॉट मार सकते हो। अभी बात करते हैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, जितने भी सेटिंग बताए, वो सब कोई काम के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पहला गोली है यूएमपी के पहले गोली से ही आप हेडशॉट मारने लगोगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, जिससे आप पहले गोली से हेडशॉट मारे लोग, आपको देखना है कि ड्रैग कितना लगता है वो सब भी आपको पता चल जाएगा, और आपको हर एक एंगल से हेडशॉट मारने की कोशिश करना, जैसे देख सकते हो ऐसे करके मारने की कोशिश करना जिससे आपके कैरेक्टर का कोई भी पोजीशन है या एनिमीज का कोई भी पोजीशन है आप एकदम इजीली हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस मैंने आपको सेटिंग बताया, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी किया, फिर भी हेडशॉट नहीं लग रहा यूएमपी का, तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, उसको फॉलो करो, आपका हर एक गोली हेडशॉट लगेगी। अरे भाई बता बता, तेरे को उल्टा पहले बताना था। अरे ओके ठीक है बताता हूँ, पहले लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करना पड़ेगा? हाँ कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब किया? चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। हाँ कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। हाँ मैं बताता हूँ, उससे पहले ज्यादा नहीं 100 बंदे को वीडियो शेयर कर दो। क्या 100 बंदे को यूएमपी से हेडशॉट मारना? ठीक है मैं कर देता हूँ। इसको कर दे, इसको कर दे। A few moments later. हाँ भाई मैंने कर दिया पूरे 100 बंदे को। भाग किधर रहा है भाई तू? ये क्या गिरा गया हो? FF hack. जोक सपाट गाइस, जो मैंने आज के वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दी उसको अगर आप फॉलो करते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप एकदम इजीली हेडशॉट मार पाओगे यूएमपी के। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, एंड यस आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे पता है, कर दो यार, हम लोग 10K फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा पास है, और मैं ये 10 साल से बोल रहा हूँ कि 10K फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा पास है, कर दिया करो यार। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।